हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो ऑटो रिस्पॉन्सेज आपको आते हैं कुछ इमेजेस के रूप में, या फिर कुछ ऑटोमेटिक फीलिंग्स आप ऑल ऑफ अ सडन फील करने लगते हैं, या फिर एक इम्पल्सिव बिहेवियर जो आपसे हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं रिकंडीशनिंग की मदद से, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो फिर से लेकर आई हूँ मैं, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी मेरे मिशन से ज़रूर जुड़ेंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अभी, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशन ज़रूर से करें और आप इस प्रोसेस को इंजॉय करते हुए पूरा करें। डियर डिप्रेशन लेस ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर समझते हैं हम हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड से ये क्या है, ये आपको ऑटोमेटिक सर्व करने वाला माइंड है। ये ऑटोमेटिक क्यों सर्व कर रहा है, ये पास्ट लर्निंग के बेसिस पर ऑटो सर्व कर रहा है। आप जितने भी उम्र के हैं, आपकी लर्निंग की भी उम्र उतनी ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप 30 इयर्स के हैं और आप 9 महीने अपने माँ के पेट में रहे हैं, तो 30 इयर्स प्लस 9 मंथ्स की आपकी लर्निंग है, तो आपकी पास लर्निंग है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपकी पास लर्निंग आपके खुद के एक्सपीरियंस की वजह से है। जो पास लर्निंग है आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने रेफरेंस उठाए हैं, और इन दोनों के बेसिस पर जो आपने इंटरप्रिटेशंस निकाली हैं, और फिर ये लर्निंग आपकी लगातार अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो जो भी आपका माइंड लर्न कर चुका है, गलत या सही इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके बेसिस पर आपको ऑटोमेटिक कुछ सजेस्ट करता रहता है। किसी सिचुएशन में वो कोई इमेज भी आ सकती है आपके माइंड में, कोई फीलिंग भी आ सकती है, या फिर किसी भी तरीके का कोई एक्शन भी आ सकता है। ये सब ऑटो, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास लर्निंग है। अब आप इस बात से परेशान हैं कि आपके दिमाग में ये इमेज क्यों आ रही है, या आप इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। मतलब कोई भी ये इमेज, मतलब या तो कुछ विजुअल आ सकता है, या फिर यहाँ पर ये थॉट के फॉर्म में कुछ भी आ सकता है। मतलब पहले कोई इमेज आएगी, फिर उसको आप थॉट में कन्वर्ट करते हैं, या पहले कोई थॉट आएगा फिर उसकी कोई इमेज बनेगी आपके दिमाग में। मतलब कोई भी आपका थॉट आ रहा है, या कोई विजुअल के रूप में आ रहा है, कोई फीलिंग के रूप में आ रहा है आपका, कोई एक्शन के रूप में, ये सब आपके साथ ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब क्या है कि जो भी कोई इमेज, कोई थॉट्स आपके, कोई फीलिंग, या किसी भी तरीके से आपका कोई एक्शन है, उस सब से आपकी कुछ ऑलरेडी कंडीशनिंग हुई हुई है। मतलब किसी सिचुएशन की, या फिर किसी इमोशन की आपकी कुछ आपस में कंडीशनिंग हुई हुई है। कई बार हमारी किसी पर्सन से कंडीशनिंग हो जाती है, कई बार हमारी किसी सामान से कंडीशनिंग हो जाती है ना, उसको देखते ही, पर्सन को देखते ही, या किसी सिचुएशन में होते ही, या किसी प्लेस पर जाते ही हम किसी स्पेसिफिक तरीके से फील करना शुरू कर देते हैं, या हमारे माइंड में कोई खास थॉट आ जाता है, कोई इमेज हमारे दिमाग में घूम जाती है, या हम इंपल्सिव होकर कुछ एक्ट करने लग जाते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या हुआ हुआ होता है कि जो भी सबकॉन्शियस में कुछ भी पड़ा हुआ होता है, वो किसी भी रूप में आ रहा है, इस सब से आपकी कोई इमोशनल कंडीशनिंग हुई भी होती है, यानी कि यहां पर कंडीशनिंग हुई भी होती है। अगर ये कंडीशनिंग पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये कंडीशनिंग कुछ नेगेटिव हुई भी है तो वहां पर दिक्कत आती है। मान लीजिए किसी इंसान को छिपकली दिख गई, अब उसको छिपकली देखते ही बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, उसको घिन आ रही है, उसको डर लग रहा है, तो यानी कि उसके माइंड में पहले से ही कुछ इस तरीके की लर्निंग पड़ी हुई है छिपकली को देखते ही। और जैसे ही वो छिपकली को लेकर, और जैसे ही उसने छिपकली को देखा, तो तुरंत उसके माइंड में वो डीकोड हो गया। तो अभी हमें, अगर सपोज कीजिए जैसे ही हमें ये विजुअल ट्रिगर मिल रहा है और हमें इसको रिकंडीशन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में किसी भी तरीके के कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स पड़े हुए हैं। तो आप ना इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कोई थॉट है, या फिर कोई भी आपका थॉट ना होकर ये इमोशन आ गया, या फिर आपका कोई भी एक्शन आ गया। अभी जो थॉट है ये आपका इमेज की फॉर्म में भी बन सकता है, या फिर आपका वर्ड्स की फॉर्म में भी बन सकता है।
तो अब हमें ये समझना है कि ये जो भी कुछ हमारा स्पेसिफिक है, कोई भी थॉट है, तो उस टाइम पर हमारा इससे जुड़ा हुआ एक्शन क्या है, हमारा ऑटो रिस्पॉन्स क्या है। मतलब अगर ऑटो रिस्पॉन्स में किसी थॉट से कोई इमोशन आ रहा है, जैसे ये थॉट आया कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, और एकदम से आपका उसमें इमोशन जुड़ा हुआ है कि आप ना रोने वाली फीलिंग आती हो और आप रोने लग जाते हैं, और आपका बिहेवियर इससे जुड़ा हुआ है कि आप पैनिक करके चिल्लाने लग जाते हैं या कोई रीअश्योरेंस लेने लग जाते हैं, तो ये क्या है कि आपके उस थॉट से कंडीशनिंग हो गई है कि आपका थॉट आया पागल होने का, और एकदम से आपका रोने का बहुत ज़्यादा मन करा और आपने डर के मारे चिल्लाना रोना शुरू कर दिया, और आपने किसी से पूछना शुरू कर दिया कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। तो ये क्या हुआ, ये आपके माइंड की कंडीशनिंग हो गई है। ऐसे ही कोई इमोशन है, आपको गुस्सा आता है, तो गुस्सा आते ही एकदम से आप चिल्लाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि आपका थॉट आया कि पागल होने का, इससे कनेक्टिंग जो आपका इमोशन आया कि आपका रोने का मन करा और आपने शाउट किया, आप रोए या आपने रीअश्योरेंस लिया, तो ये क्या है आपकी कंडीशनिंग। अब मान लीजिए इमोशन है किसी के अंदर, एंगर है, उसको गुस्सा जब भी महसूस होता है तो इससे कनेक्टिंग जो उसका बिहेवियर आता है वो ये आता है कि वो शाउट करता है और उसका मन जो है ना इंसल्ट करने का हो जाता है। सो, उसका मन करता है कि मैं इंसल्ट करूं, और वो वाकई ही जो है ना इंसल्ट कर देता है दूसरे लोगों को। तो एक इमोशन आया, उससे जुड़ा हुआ उसका ये एक्शन आया, यानी कि इसकी कंडीशनिंग हुई भी है एक इमोशन की, और उससे जुड़े हुए बिहेवियर की कंडीशनिंग हुई भी है कि अगर ये आएगा तो ये तो ज़रूरी आएगा। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक पेवलॉग का एग्जाम्पल आपको बताया था, डॉग वाला, कि घंटी बजने पर जब उसको उसके बाद खाना दिया गया था तो घंटी और खाना आपस में जुड़ गए थे, और घंटी बजते ही उसका जो सलाइवेशन है वो स्टार्ट हो जाता था। तो अभी हमें समझना है कि ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारी कंडीशनिंग हुई भी होती है जो हमारे किसी ना किसी एक्सपीरियंस या रेफरेंस की वजह से हो जाती है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको थॉट का बताया था, पागल होने का थॉट आया तो एकदम से रोने वाली फीलिंग आई, आप जो है ना चिल्लाए रोए और आपने रीअश्योरेंस ली। ऐसे ही मान लीजिए आपका इमोशन एंगर है, और उसमें क्या है कि आप जो है ना चिल्ला रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो दूसरे को, इससे जुड़ा हुआ एक आपका कंडीशन बिहेवियर है। ऐसे ही एक्शन, मान लीजिए कोई इंसान है वो एकदम से हिट करने लग जाता है किसी को, कोई ऑटो एकदम से है कि किसी भी सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ तो वो हिट करने लग जाता है, तो हिट करना उसका एक्शन है, लेकिन इसके पीछे का जो एक लेयर है, जो कंडीशनिंग हुई हुई है, वो क्या है कि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, तब वो एकदम से हिट करता है। तो हमें ये देखना है कि किस चीज़ से क्या चीज़ जुड़ी हुई है। जब हम इस तरीके से क्लैरिटी ले आते हैं कि हमारे माइंड में किस किस चीज़ की कंडीशनिंग किस तरीके से हुई हुई है, तो अब हमें उसको रिकंडीशन करना है। रिकंडीशन करना है यानी कि सबकॉन्शियस लेवल पर उसको उतारना है, क्योंकि ये सब कुछ भी जो हो रहा है पास्ट लर्निंग जो हम बार बार रिपीट करते हैं, री एक्सपीरियंसेस जो भी हमारे होते हैं, वो सब क्या है हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। सबकॉन्शियस में एक बार कोई भी चीज़ जाने का मतलब है कि वो चीज़ अब आपके साथ ऑटोमेटिकली हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है कि कैसे कंट्रोल करूँ इस चीज़ पर। तो जब आपका कोई कंट्रोल आपको नहीं लग रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि ना तो कंडीशनिंग एक दिन में होती है और ना ही रिकंडीशनिंग एक दिन में होगी। पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखना पड़ेगा तो क्या करना होगा, कुछ दिनों तक आपको जानबूझकर जो भी उससे जुड़ा हुआ आपका इमोशन या आपका बिहेवियर है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट आपको करना होगा। तो जब आप उसे ऑपोजिट करते हैं तो ये शुरुआत में आपको मुश्किल जान पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। तो ये कई बार बहुत मुश्किल लगता है, मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ऑपोजिट एक्शन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल गुस्से में अगर कोई चिल्लाता है तो उसे शांति से बात करनी है, कोई इंसल्ट करता है दूसरे को तो उसे दूसरे को समझते हुए प्यार से बात करनी है। तो ऑपोजिट एक्शन अगर आप नहीं ले पाते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि इसकी जो एक अच्छी बेस्ट टेक्निक होती है वो होती है ऑपोजिट एक्शन टेक्निक। जब भी आप ऑपोजिट एक्शंस लेना शुरू कर देते हो किसी भी बारे में, तो वहाँ पर धीरे धीरे आपके कॉन्शियस एफर्ट से आपका माइंड रिकंडीशन होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो लर्निंग आपके कॉन्शियसनेस से होकर आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। आप याद कर लीजिए कोई भी चीज़ अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कैसे पहुँचाई है। सबसे पहले अवेयरनेस इकट्ठा कर कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, फिर उसके बाद
आपने जो है ना उसके लिए जो अवेयरनेस से ही सारी डिटेल्स इकट्ठा किया कि कैसे सीखा जा सकता है, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस कुछ दिनों के करने के बाद वो चीज़ आपके साथ अपने आप होने लगी। चाहे वो कुछ भी हो, आपने चलना भी ऐसा ही सीखा है, आपने कोई व्हीकल चलाना भी ऐसा ही सीखा है, आप कुछ भी नया पढ़ाई में या कहीं पर भी सीखते हैं आप इसी स्टेप्स के ज़रिए सीखते हैं। लेकिन जब आपको अपोजिट एक्शन टेक्निक बहुत मुश्किल लग रही हो तो आप इजी क्या कर सकते हैं, तो इजी मैं आपको दो टेक्निक बताऊंगी कि आप दो कैसे कर सकते हैं। एक है जिसमें कि ब्रीदिंग पैटर्न को यानी कि चेंज करना, और दूसरी है आपकी लाफ। अब यहाँ पर जब भी आपको इनमें से किसी में भी कुछ भी चेंज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप ना अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो रिकंडीशनिंग के लिए एक है ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करना, और दूसरा है आपका हंसना, उस चीज पर स्माइल करना। जब भी आपको कोई भी ऑटोमेटिक कोई थॉट इमेज की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में आ रहा है, कोई भी ऑटो आपको फीलिंग आ रही है या कोई ऑटोमेटिक आपका बिहेवियर आ रहा है, तो उसके ना कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठा के एकदम से ही कुछ चला जाता है, कहने में होता है कि एकदम इम्पल्सिवली हो रहा है, लेकिन आपको ना उसके वार्निंग साइंस मिल रहे होते हैं। बस वो इनिशियल वार्निंग साइंस की आपको एक बार मेहनत कर लिस्ट बनानी है। तो ये जहां पर ये जो भी हो रहा है तो इसके आपके क्या करना है, वार्निंग साइंस पकड़ने हैं। मान लीजिए भूकंप भी आ रहा है, तबाही मचाने वाला, तो पहले उसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर भूकंप मचने वाला है किसी भी चीज़ का, तो उसके वार्निंग साइंस होते हैं। समझदारी बस वार्निंग साइन के लेवल पर ही पकड़ने की है। जैसे ही आप उसके वार्निंग साइन पकड़ें, जैसे फॉर एग्जांपल गुस्से की बात करें, तो गुस्से से पहले किसी को हो सकता है कि किसी की कोई बात बुरी लगनी शुरू हो गई हो, हो सकता है उसने देखा उसके अंदर का टेम्परेचर बदलना शुरू हो गया हो, उसका माइंड ओवरथिंकिंग के उसमें जा रहा हो, उसका चेहरा लाल हो रहा है, कुछ भी कोई भी वार्निंग साइन जो है ना, जो भी आपको मिले वार्निंग साइन के लेवल पर ही आपको वहीं पर पकड़ना है। और सिंपल से क्या करना है, उसी पर ही आपको ना अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर देना है। वहीं पर ही आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को या तो बिल्कुल अनइवन कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको अनइवन कर सकते हैं, आप अपनी ब्रीदिंग को डीप कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पैटर्न लगा सकते हैं, आप कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, जैसे 4 7 8 लगा सकते हैं, 5 10 15 पैटर्न लगा सकते हैं। इसमें वही कि 5 सेकंड में सांस लेना, 10 सेकंड होल्ड करना, 15 सेकंड में छोड़ना, किसी भी तरीके से आप कोई स्पेसिफिक पैटर्न या फिर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप अनइवन ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब भी आप अपने उस ट्रिगर के साथ, ये जो सारे क्या हैं ये आपके ट्रिगर्स हैं ना, तो जब आप अपने सारे ट्रिगर्स के साथ अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर देंगे, क्योंकि आपके एक स्पेसिफिक इमोशन में कुछ स्पेसिफिक बिहेव करते वक्त या कोई थॉट अपने दिमाग में वर्ड्स के या इमेज के फॉर्म में देखते वक्त आपके अंदर आपका एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न चलता है, तो जैसे ही आप उसकी कंडीशनिंग ब्रेक कर देंगे तो वहाँ पर आपका वो जो कंडीशनिंग थी वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपकी ये रिलैक्सेशन वाली ब्रीदिंग से ना उसकी एक कनेक्टिविटी यानी कि रिकंडीशनिंग हो जाएगी। तो प्रिफरेबली आप क्या करें कि जो आपको प्रेफरेंस देनी है डीप ब्रीदिंग को दें, क्योंकि जब आप डीप ब्रीदिंग को वो प्रेफरेंस देते हैं तो उससे क्या होता है कि ना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है उसे फॉलो करना, क्योंकि डीप ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जो ऑलमोस्ट सभी को आती है। बाकी स्पेसिफिक में किसी का माइंड हो सकता है 4 सेकंड में मैंने ली सांस या मैंने 2 सेकंड में निपटा दिया या मैं 6 सेकंड में ले रहा हूं, तो एक कंफ्यूजन उस टाइम क्रिएट नहीं करना है। तो सिंपल सा ये है कि आपको डीप ब्रीदिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आपने डीप ब्रीदिंग करी तो उससे क्या होगा कि डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सांसें लंबी और गहरी आ रही हैं आपकी, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है ना एक रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। तो उस थॉट से, उस इमेज से, उस फीलिंग से, किसी भी तरीके की आपकी कोई भी पैनिक या नेगेटिव करने वाला अंदर कुछ भी आपके जो है ना अटैच होगा, उससे क्या होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उससे एक रिलैक्सेशन वाला पैटर्न अटैच हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो कोई इमेज या कोई इस तरीके का थॉट या कोई भी फीलिंग, कोई एक्शन की इंपल्स उठेगी, तो वहाँ पर ये डीप ब्रीदिंग का पैटर्न अपने आप उसके साथ ऑटोमेटिकली चिपका हुआ आ जाएगा। तो वहाँ पर आप पैनिक होने से या कुछ भी गलत बिहेवियर करने से बच जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि इन वार्निंग साइंस के मिलते ही आप उससे स्माइल करना स्टार्ट कर दें।
अब देखिए आपका माइंड बॉडी जिस तरीके के आप कॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं फिजियोलॉजी के थ्रू या साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो उससे ना वो ट्रिगर हो जाते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है और आप बस हंसने लगे, मतलब ऐसे जैसे कि आपने चोरी पकड़ ली कि अच्छा मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है, और जस्ट स्माइल करने लगे। आप ये क्यों करेंगे? आप कहेंगे अच्छा ये क्या उटपटांग सी हरकतें हम करें ऐसे। अरे आप ही तो अपनी मर्जी से चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं चेंज करना चाह रहे हैं तो रोज नुकसान कीजिए, हो जाइए परेशान, दूसरों को भी करिए आप परेशान। लेकिन अगर आप वास्तव में बदलना चाह रहे हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, तो खुश होकर करिए। तो समझ जाइए कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, आप मेरे को उदासी सी आ रही है ये, या मेरे दिमाग में ये इमेज आ रही है, ठीक है, या मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस, क्योंकि अब आप होशियार हो गए, आपको पता चल गया है कि ये जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है कुछ गलत तरीके से प्रोग्राम हो गया, इसलिए मेरे को ऑटो रिस्पॉन्स गलत आ रहा है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि आपके पास लर्निंग से आ रहा है, अब कुछ गलत लर्निंग हो गई क्योंकि इतना कचरा आसपास के एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं से परोस दिया जाता है, कभी कहीं से आ रहा है कभी कहीं से आ रहा है, तो वो जो परोसा जाता है तो उससे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी तो अंदर जाती है, या कोई एक खराब एक्सपीरियंस रहा आपने, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाल ली, कोई और आया आपके अंदर कुछ डंप करके चला गया, तो बड़ा सारा कुछ ना कुछ गलत भी आ जाता है कभी कभी दिमाग में। तो आप खुद ही चाह रहे हैं उससे बदलना, तो उससे आप अपने स्माइल को, और हल्के से भी स्माइल नहीं, कई बार जोर से हंस दीजिए। आप जब खुलकर हंसेंगे तो आपकी बॉडी के एक एक सेल को, आपके हर ब्रेन सेल को, आपके एक एक न्यूरॉन को एक ट्रिगर, एक मैसेज पहुंचेगा कि भाई आप रिलैक्स और सेफ महसूस कर रहे हैं। तो जब आप स्माइल करते हैं, स्माइल आप कब करते हैं? जब आप खुश होते हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप सेफ फील करते हैं। तो स्माइल कब करते हैं? जब आप हैप्पी होते हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप सेफ फील कर रहे होते हैं। आपने कभी किसी को देखा है कि कोई ना बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है और वो स्माइल कर रहा है? नहीं। लेकिन जब भी आप स्माइल करते हैं तो सब ठीक है, एक ही ट्रिगर जाता है ना, आप रिलैक्स हैं, खुश हैं। तो जब आप स्माइल करेंगे इनसे, मतलब जब भी कोई ऑटो रिस्पॉन्स आया और उसके टाइम पर आपने स्माइल कर ली, तो आपके माइंड की उन सारे जो फिजूल के ट्रिगर्स आपके अंदर पड़े हुए हैं, कंडीशनिंग हो जाएगी स्माइल की, और आपके ब्रेन बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा, रिलैक्स, सब ठीक है भाई, आराम से अपने अंदर की फंक्शनिंग करते रहो, बिल्कुल सुरक्षित है, सब कुछ बढ़िया है, मस्त चल रहा है। तो वहाँ पर वो सारे के सारे जो ट्रिगर्स हैं उनका फ्यूज उड़ जाएगा, बेकार हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। कुछ दिनों कर कर देखो, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव है। मैं आपके लिए अलग अलग टेक्निक्स के रेगुलर इसलिए वीडियोस बना रही हूँ, आप देखो पहले दो वीडियो लाती थी, अब आपके लिए चार वीडियो ला रही हूँ, रोज रील लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप मेरे डियर वंस हो, आपको पता है कि मैं कितना दिल से चाहती हूँ कि आप अपने घर बैठे ही ठीक हो जाएं, और आप मेरा मेरे इस मिशन में साथ भी दे रहे हैं, आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट्स कर कर मेरे को मोटिवेट भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मैं उस सब के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मैं दिल से आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहती हूँ। आप ये करके देखो, ये दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दोनों टेक्निक का इस्तेमाल कर रीसेट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको मेरे बाकी वीडियोस की तरह अच्छा लगा है, कमेंट कर अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर से शेयर करना है। अपना खास ख्याल रखिएगा।